बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा कि भारती भगौड़े नित्यानंद की राजदूत यूएन में बैठकर भारत की बुराई कर रही थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र नित्यानंद की पोल खोलते हुए लताड़ लगा दी। उसके बाद अंजाम ये हुआ कि नित्यानंद की सो कॉल्ड राजदूत विजय प्रिया नित्यानंद को सफाई देने की नौबत आ गई। विजय प्रिया नित्यानंद को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हिंदू साध्वियों की तरह वेशभूषा धारण कर रखी है और उसके हाथ में नित्यानंद का टैटू बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है जिसमें भारती भगोड़े नित्यानंद की ओर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भाषण दे रही है। अब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने अपना पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है काल्पनिक देश कैलासा की प्रतिनिधि की बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। पिछले सप्ताह जिनेवा की सार्वजनिक सभाओं में कैलासा के प्रतिनिधि द्वारा दी गई दलील अप्रासंगिक है। समिति विजय प्रिया नित्यानंद द्वारा दिए गए सभी दावों पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कैलासा के स्थायी राजदूत होने का दावा किया था। वही यूएन में यूएसके यानी कि कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूएसके भारत को बहुत सम्मान देता है, भारत को अपने गुरुपीडम के रूप में सम्मान देता है। वीडियो में विजय प्रिया ने सफाई देते हुए कहा मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने कहा कि एसपीएच भगवान नित्यानंद परम शिवम को उनके जन्म स्थान में कुछ हिंदू विरोधी तत्वों द्वारा सताया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलासा भारत को बहुत सम्मान देता है और भारत को अपने गुरुपीडम के रूप में सम्मान देता है। हम संयुक्त राष्ट्र में मेरे बयान के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहते हैं जिसे मीडिया के कुछ हिंदू विरोधी वर्गों द्वारा गलत व्याख्या जानबूझकर हेरफेर और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। उसने आगे कहा हम भारत सरकार से इन हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं जो एसपीएच और कैलासा के खिलाफ हमला करना और हिंसा भड़काना जारी रखते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कार्य भारतीय आबादी के विशाल बहुमत के मूल्यों या विश्वास को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। आपको याद दिला दें कि नित्यानंद भारत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कई आरोपों में वांछित है। हालांकि हमेशा से वो इन आरोपों का खंडन करता रहा है। जेल जाने के डर से वो रातों रात भारत छोड़कर भाग गया था और उसने अपना अलग देश बनाने का दावा किया और अब जाकर यूएन की बैठक में अपनी राजदूत को भेज दिया, लेकिन यूएन ने उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।